इलेक्शन का टाइम में कह देती है सरकार विकलांग मिल दिया गाड़ी में देते है वोट लेने के लिए घर पर घर से उठा के ले जाए गाड़ी में बैठा के ले जाए। अरे विकलांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आंखों से दिव्यांग एक व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिला तो उसने कैबिनेट मंत्री से गुहार लगाई है। वह बीते लगभग 15 दिनों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। आंखों से दिव्यांग यह व्यक्ति कैंसर से पीड़ित अपनी नेत्रहीन मां को दवाई दिलवाने निजी बस में सवार होकर हिसार जा रहा था। उसका आरोप है कि बीते दिनों निजी बस चालक व परिचालक ने परिवार सहित बीच रास्ते बस से नीचे उतार दिया था। इसकी शिकायत उसने रोडवेज अधिकारियों से की थी। इलेक्शन का टाइम में कह देती है सरकार विकलांगों के लिए गाड़ी भेज देती है वोट लेने के लिए घर पर घर से उठा के ले जाए गाड़ी में बैठा के ले जाए। अरे विकलांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद वह मंत्री से मदद की गुहार लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक विक्रम सिंह टोहाना विधानसभा के गांव कनहड़ी का रहने वाला है। विक्रम आंखों से 100% दिव्यांग है। मेरी माता को 100% ब्लाइंड है। ये मेरी बात सुनी है ना, आरटी से बात हो रही है, वो इंक्वायरी आपने बुलाया होगा ना, दोबारा आरटी साहब ने बुलाया ना, दोबारा कार्रवाई करेंगे, मेरी बात बोलना है करेंगे करो। मेरा बोल उल्टा कर आएगा तो बहुत बेहतर है, 20-25 आदमी कर आएगा वो कर रहे हैं ना ना पार्टी का मैंने बात करेंगे जी, मदद करेंगे पूरी। मैंने कह दिया हो जाएगी तेरी मदद, मेरे याद है। परिवार में उसकी मां भी आंखों से 100% दिव्यांग है। इसके अलावा मां कैंसर से पीड़ित है। विक्रम शादीशुदा है, उसकी 1 वर्षीय बेटी भी है। विक्रम व उसकी मां का सरकार की ओर से दिव्यांग पहचान पत्र भी बना हुआ है, जिसके आधार पर वह निजी व सरकारी बस में बिना टिकट सफर कर सकता है। वह अपनी गाँव कनहड़ी से अपनी पत्नी व 1 वर्षीय बच्ची के साथ कैंसर की बीमारी से पीड़ित अंधी मां को हिसार अस्पताल से दवाई दिलवाने जा रहा था। तभी बस चालक ने उसे बीच रास्ते बरवाला में धक्के मारकर बस से नीचे उतार दिया था। 15 दिन से कार्रवाई के लिए भटक रहा दिव्यांग पीड़ित विक्रम सिंह ने बताया कि बीते लगभग 15 दिनों से वह इंसाफ के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी निजी बस चालक व परिचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए अनेकों सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, फिर भी उन्हें इंसाफ के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार से यही मांग है मेरी और मेरा अर्जाना पूरा होना चाहिए। आरटीओ साहब से भी मेरा यही निवेदन है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। डीओ साहब कह रहे थे कि लिखित में देगा तो इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लिखित में देगा तो अब मैंने लिखित में भी दे दी, सीएम बिंडू भी लगा दी। कार्रवाई इस पर अब लगी नहीं हुई, 18 तारीख होगी, 4 तारीख का मामला ही। मैं बीजेपी सरकार से यही मांग करता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे पूरा स्टाफ पर, और मेरी मने इंसाफ मिलना चाहिए। जब लग चुप नहीं बैठूंगा मैं, जब लग इंसाफ नहीं मिलागा मैं यही मांग करता हूँ। तो बीजेपी सरकार बड़े बड़े इरादे करती है कि ये करते हैं बड़ी बड़ी मांगे पूरी करती है। अगर सरकार चाहे तो इस पर घंटा में भी एक्शन मोड में आकर कार्रवाई करे तो घंटा में भी फैसला करवा सकती है। कैबिनेट देवेंद्र सिंह बबली से भी मेरी ये याद जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। विकलांगों के लिए पहला भी बहुत समाज सेवी सेवा करी है, और ईव कहाँ है वो बबली। इलेक्शन का टाइम में कह देती है सरकार विकलांगों के लिए गाड़ी भेज देती है वोट लेने के लिए घर पर घर से उठा के ले जाए गाड़ी में बैठा के ले जाए। अरे विकलांगों की कोई सुनाई नहीं हो रही। और कनेक्टर और ड्राइवर ये कहते हैं और बसों वाले ये इतना सामान क्यों पैर का गया था, इसको यह चीज़ क्यों पैर रखी थी। अगर विकलांगों का कोई अधिकार नहीं है जीने का इस दुनिया में, क्या जिंदगी नहीं है विकलांगों की जीनी? अगर आपका घर में कोई विकलांग हो तो उसको कैद करके रख कर देखो, फिर पता लगेगा उसका, उसकी टाइल से वो पानी करके देखो उसकी, फिर पता लगेगा। चुनाव के समय दिव्यांगों का वोट पाने के लिए अन्य संसाधनों का प्रबंध करवाया जाता है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मंत्री से भी लगाई गुहार, उसने बताया कि वह 100% आंखों से दिव्यांग है। उसकी माता जो कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है वह भी 100% आंखों से दिव्यांग है। ऐसे में चालक व परिचालक द्वारा उन्हें धक्के मारकर बीच रास्ते में बस से नीचे उतार दिया गया, जिस कारण उसको आर्थिक नुकसान भी हुआ है। उसका आरोप है कि अब निजी बस चालक उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा है। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से अपील करते हुए शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़।